भक्ति की ओर, भगवान के चरणारविंद की ओर, भगवान के रसतत्व की ओर जाओ। वही कितना भी कह दे कि वहां चमत्कार हो रहा है, आप मत जाइए। आप पहले, सबसे पहले भगवान के मंदिर अपने पास में जो शंकर का मंदिर है वहां जाइए। दुख आया है, एक बहू पुणे में रहती है, मुंबई में रहती है, एक बहू दिल्ली में रहती है और एक बहू तुम्हारे पास में रहती है। तुम्हारी तबीयत खराब होगी, पुणे वाली, मुंबई वाली, दिल्ली वाली की पास में रहने वाली कौन सी पहले आएगी? बोलो बोलो, जम के बोलो। जो पास में रह रही है। दूर के ढोल सुहावने हैं। पुणे मुंबई वाली तो चार दिन के लिए तुम्हारे यहां आएगी, मम्मी जी कहेगी दिवाली पे, अंगूठी लेके चली जाएगी और सास को लगेगा मेरी बहू बहुत चाहती है मुझे। दूर के ढोल सुहावने, निवेदन है, दूर से आई है, केवल दिवाली पर 8-15 दिन पति भी सिखा के लाया है, तू चुप रहना, तेरे पांव पड़ू, हाथ जोड़ू, 15 दिन तो रहना है, टिकट कराएंगे अपन, चल देंगे, बस मम्मी के आगे पीछे रहना, पापा को जय जय श्री ना दिखते रहना, उनको चाय बनाकर देते रहना, उनको आगे आगे काम करते रहना। बाहर से आई और उसने खूब सेवा करी, सास को लगा इसके बराबर कोई नहीं है, मेरा निवेदन है सासुओं से, 2 महीने के लिए चले जा पूना। अभी पर जो जगदम्बा थी, थोड़े दिन में चंद्र घंटा नहीं हो जाए तो बता देना। रोज चंद्र घंटा प्रतिदिन। तो मम्मी से पूछो ना कब जाएंगी, तो मम्मी ने ये बोल दिया, आई काहे को यहां पुणे में, इनको कौन ने बोला था कि आओ? बहुत कठिन है महाराज, दूर के ढोल सुहावने, कोई कहते वहां चमत्कार हो रहा है, कोई कहते वहां ये हो रहा है, कोई कहते वहां वो हो रहा है, नहीं। सबसे पहले अगर तुम्हारे को दुख है तो दुनिया में जाने से पहले अपनी जो बहू पास में है, अर्थात जो शंकर जी का मंदिर तुम्हारे करीब में है, पहले उसके पास चले जाना, उससे विनती कर, उससे निवेदन कर, करो उसके विनती। पास में बेटा है उससे तो कहने रही, और फोन लगा के पुणे के बेटे को कह रही मेरे को ये तकलीफ आ गई, तो पुणे के बेटे ने कह दी मम्मी डॉक्टर को दिखा लो ना उधर जाके, तो लेके कौन जाएगा, आ जा पुणे से। अगर ये बात तू साथ में रहने वाले बेटे से कहती बेटा मेरे शरीर में कष्ट है, तो बेटा कहता मम्मी मैं अभी चलता हूं, थोड़ी देर में मैं आ रहा हूं, तुम चिंता मत करो मैं दिखा लूंगा। बेटा खुद लेकर जाता, नौकर को भेजता, चाकर को भेजता, किसी को भेजता, पत्नी को कहता पर दिखा कर लाता, पर तुमने दूसरे को आस जताकर कि वो मुझे कर देगा, तो उसने फोन किसको लगाया? बेटे को। बेटे ने कहा मम्मी ने तुझसे कहा, भैया भैया तुझसे कहा, यह बात मुझसे मां बोल देती मैं दिखा लेता, मतलब मुझे तो नीचा दिखा दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आपके पास में जो रह रहा है, आपके करीब में जो रह रहा है, जो शंकर भगवान का मंदिर तुम्हारे नजदीक में है, जो शिवालय तुम्हारे पास में है, जो शंकर भगवान का शिवालय तुम्हारे नजदीक में है, जो बेलपत्री का पेड़ तुम्हारे पास में है, जो पीपल का वृक्ष तुम्हारे पास में है, जो आंवले का वृक्ष तुम्हारे पास में है, जो शंकर का शिवालय तुम्हारे पास में है, सारी दुनिया में जाने से पहले तुम्हारे करीब के शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचो। उसको हल्के में मत लो, शिव मंदिर वही बनता है जहां शिव चाहता है। कानपुर में बैठा है आनंदेश्वर महादेव, उसका नाम पूरी दुनिया से हटकर है आनंदेश्वर, कि मैं भी आनंद में रह रही हूं, तुम भी रहो, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। ये महादेव सिखा रहा है टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन की जरूरत नहीं है, भगवान की भक्ति में जुओ जितना हो सकता है और रहो अपनी मस्ती में जैसे रहते हो, साधारणता में, जैसे आनंद में, सिंपल, कोई चमक नहीं, कोई चमक नहीं चाहिए ऐसी चमक। ये चमक, ये दमक, फुल वन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हारी से है, उसकी भक्ति को रमो, उसके भजन को रमो। क्या सोचना अपन को चमक है? एक बात और अपनी जिंदगी में उतार लीजिए, चारों तरफ कुर्सी पाने के लिए, पद पाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए, स्थान पाने के लिए एक होड़ लगी हुई है, लोग दौड़ रहे हैं। मेरा निवेदन है सब कुछ मिल सकता है, एक बार शंकर भगवान को पाने के लिए दौड़ पड़ो, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। वो साधारण नहीं है, वो सब कुछ मिल सकता है, सिंपल। एक समानता का जीवन जिए। जब हम बहुत उन्नति की ओर बढ़ जाते हैं ना, जब हम बहुत ऊंचाई की ओर चले जाते हैं, बहुत बड़ा बनने का प्रयास करते हैं, तब हमारी दो चीजें कम हो जाती हैं। क्या क्या चीज कम हो जाती है? जब हम उन्नति की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं, बड़ा बनने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तब दो चीजें अपनी कम हो जाती है, एक रोटी, एक हंसी।
जब व्यक्ति ज्यादा बड़ा होते चले जाता है तो उसकी हंसी भी कम हो जाती है और रोटी भी कम हो जाती है, वो अच्छे से हंस भी नहीं पाता है और ठीक तरह से खा भी नहीं पाता, उसका भोजन भी गया और हंसी भी गई, ना वो भोजन प्रेम से कर पाता है और ना वो ठीक तरह से चार लोगों में बैठकर हंस पाता है कि मुस्कुरा पाता है, उसकी हंसी भी चली जाती है। हम तो कहते हैं जब ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो लोगों की हंसी के साथ में रोटी भी चली गई, ताली भी चली गई, भजन भी चले गया और सबके साथ में बैठना भी चले गया। जब ज्यादा बड़े होते चले जाते ना तो 10 लोगों में आप नहीं बैठ पाते, क्योंकि तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे लिए थोड़ा VIP व्यवस्था चाहिए, फिर भोजन भी वैसा चाहिए, मैं ज्यादा खाती नहीं, शरीर बनाना पड़ेगा उस हिसाब से देना पड़ेगा, ज्यादा खा लेंगे श्रेष्ठता नहीं लगेंगे, हंस भी नहीं सकते, हंसेंगे भी तो बड़ा सावधानी से हंसेंगे, बहुत हंसी भी आ रही है ना तो थोड़ा सा ही मुस्कुराना पड़ेगा, भूख भी बहुत तेज लग रही है पर चार लोगों में बैठे हैं तो ज्यादा खा भी नहीं सकते, एकदम किसी बड़ी पार्टी में चले जाओ और एकदम गुलाब जामुन पे गुलाब जामुन निपटाओ तो लोग ही कह देंगे हप्सन है, तो ज्यादा खा भी नहीं सकते। छोटे बनकर आप कुछ भी कर सकते हो, छोटे बनकर अपनी जिंदगी को मस्त जी सकते हो। कथा कह रही है भगवान शिव का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर का गुणगान कराए, हीन कशिपु तप करा बर प्राप्त करा, ना नीचे मरू ना ऊपर मरू ना अंदर मरू ना बाहर मरू ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू ना दिन में मरू ना रात में मरू ना 12 महीने में मरू, और उसी के घर में बालक ने जन्म लिया जिसका नाम था प्रहलाद। अब जरा समझिएगा इस कथा को, यह कथा तो आपने भागवत जी ने भी सुन रखी है पर शुमहापुराण में यह कथा क्यों दी गई, उसका केवल एक कारण है, भगवान के चरणों के प्रति विश्वास। हीन कशिपु तप करे बर मांगा, बर ब्रह्मा जी से प्राप्त करा, तथास्तु ब्रह्मदेव ने कह दिया, ठीक है कोई बात ना, पर तुम सोचो कि मरोगे नहीं, ये निश्चित है कि मरना, तो कह दिया ना नीचे मरू ना ऊपर मरू ना अंदर मरू ना बाहर मरू ना अस्त्र से ना शस्त्र से ना दिन में ना रात में ना नर से ना पशु से और ना ही 12 महीने में मरू, तथास्तु कह दिया, ठीक है। बर मिल गया, आ गए घर में, बेटे का जन्म होना है, धर्म पत्नी को देवऋषि नारद ने ले जाकर ज्ञान उपदेश दिया, खूब सत्संग कराया, खूब सत्संग कराया। सत्संग का बल कितना है जरा विचार करिए, पर जब बाबा आपकी झोली खुशियों से भर दे और कुछ कृपा एक भी पूरी कर दे तब परेश्वर धाम जरूर जाओ, मना नहीं, हम मना नहीं करते कि आप ना जाइए, जाओ, भक्ति के बल को बढ़ाना है, हमें अपने भजन को बढ़ाना है, हमें अपने कीर्तन को बढ़ाना है। एक बात और कहना चाहेंगे, सुन लेना जरा अच्छे से, कानपुर वालों और कल्याणपुर वालों और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी सुन लेना, तुम बहुत देर तक भगवान के मंदिर नहीं जा सकते, शिव महापुराण की कथा में नहीं जा सकते, तो कबड्डी खेले हो, कबड्डी खेले हो, क्या करना पड़ता है, बस दुश्मन की पाली में जाओ, कबड्डी 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 टच कर आ जाओ, जीत जाओगे निश्चित है, ज्यादा देर भगवान के पास बैठने की जरूरत नहीं है, बस शिव मंदिर की दहली तक जाओ, छूकर वापिस आ जाओ, जीत जाओ निश्चित, शिव मंदिर के द्वार तक गए और जीत कर वापिस आ जाओ, ये निश्चितता है, तेरी कृपा बिना ना हिले, हमारे बीच में संत महात्मा है, जोरदार ताली बजाकर स्वागत कर, तेरी कृपा बिना ना हिले, एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से, एक जरा सा बस केवल टच ही किया है, आती है कौन कौन खेले कबड्डी खेले हो, अरे बहुत बढ़िया, धर लो धर लो, कबड्डी 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 टच करा वापिस लौट कर आ गए, और अगर थोड़ी सी देरी हो जाती तो फिर डूब जाते, गए भगवान की चौखट तक पहुंचे, भगवान के द्वार तक पहुंचे, भगवान की शरणागति तक पहुंचे, थोड़ा सा स्पर्श मात्र किया, उसमें भी सुख मिल गया, उसमें भी आनंद की अनुभूति हो गई, मेरे भोले तेरा सहारा है,
मेरी नैया का तू किनार रे, मेरी नैया का तू किनार रे। शिव कृपा जैसी आप अगर आए हो शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर की पावन कथा को श्रवण करने के लिए पहुंचे हो, समझ लेना पाली टच कर कर जा रहे हो तो ये निश्चित है कि विजय का प्राप्त जरूर होगा। आप आए उसके द्वार पर, आप आए उसकी चौखट तक। और मेरा इंदौर वासियों से भी निवेदन है, दलाल बाग के पास में इंदौर में यह कथा 22 तारीख को कानपुर में विराम हो जाएगी, 24 तारीख को दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक इंदौर में प्रारंभ हो जाएगी। मौका मत छोड़ना, टच करने के लिए भगवान शिव की शिव महापुराण में जरूर पहुंचना। मेरा बाबा क्या देगा ये तो मेरा विश्वनाथ ही जान सकता, ये मेरा बाबा देवाधिदेव महादेव जान सकता। लोग मुरैना से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से, कोई झांसी से आ रहा है, कोई रायसेन से आ रहा है, कोई कलकत्ता से आ रहा है, यहाँ कोई कलकत्ता वाले भी बैठे हुए हैं, कोई कलकत्ता से, कुछ तो मेरे बाबा ने दिया होगा तब तो पहुंचे हैं। ये इतने पत्रों का ढेर लगा हुआ है पत्रों का, ये विश्वास से आप भरोसा दृढ़ता, कुछ तो कृपा करिए। और इंदौर वालों को मौका मिला है 24 तारीख से 30 तारीख तक दयालबाग में कथा श्रवण करने, चुके नहीं दिल से आनंद से 2 बजे से 5 बजे तक कथा का रसत्व ग्रहण करो। आस्था चैनल फेसबुक ग्रुप पर भी आप लोग श्रवण करो। 12 ज्योतिर्लिंग शिव महापुराण की कथा होगी, यहां भक्ति शिव महापुराण की कथा चल रही है, शिव भक्ति। पर अब एक निवेदन आप सबसे है, जो रात्रि को रुकने वाले आते हैं उनसे निवेदन है, अपने साथ में ओढ़ने का जरा कम्बल मम्बल थोड़ा मोटा लेकर चलो, ठंड पड़ने लगी है उसका ध्यान रखकर चलिए। आप लोग आते हो मना नहीं, पर थोड़ा सा ओढ़ने का जो कम्बल वगैरह है वो थोड़ा मोटा लेकर चले, जिससे आप लोगों को ठंड ना लगे, उसका विशेष ध्यान। भगवान की अविरल भक्ति, बैठो अभी देह मौका, भगवान की अविरल भक्ति को धारण, जिस भक्ति का बल प्रबल। हीन कश्यपु ने मांगा ना नीचे मरू ना ऊपर मरू ना अंदर मरू ना बाहर मरू ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू ना दिन में मरू ना रात में मरू ना नर से मरू ना पशु से मरू ना ही 12 महीने में मरू। धर्म पत्नी गर्भ से थी और नारद जी ने उनको ज्ञान उपदेश दे दिया, गर्भवती नारी को भगवान का भजन करना चाहिए, यह हमारा शास्त्र कह रहा है, यह शास्त्र कह रहा है। पर आज के जमाने में डॉक्टर कह देते हैं बेड रेस्ट, दिन भर पलंग पे पड़ी रहो और नाटक देखती रहो, औलाद भी जो पैदा हुई वो आते से नाटक करना चालू कर देती है, वो भी नाटक करती है, गोदी में रखो तो चुप, जमीन पे सुलाओ तो पे पे करे, ये नाटक नहीं तो क्या। फिर बूढ़ी बूढ़ी मां पीछे नहीं हटती, वो भी कह देती हमारी भी 4-4, 5-5 औलाद थी री बहू, खिला दो पिला दो पटक दो खेलती रहे, तूने अनोखी औलाद पैदा करी, धन्य है ऐसी औलाद पैदा कर। फिर माताएं भी कह देती कहने में कोई चुकता क्या, करो भजन करना चाहिए, उसमें कोई विशेष। पर गर्भ में बच्चा हो, गर्भ में संतान हो, गर्भ में अगर औलाद है, गर्भ में अगर संतान है तो भजन शिव का भजन। एक माता ने अपने एक प्रश्न को लिखा था कल के पत्र में, पत्र शायद पीछे होंगे आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं। पत्र में एक माता ने प्रश्न लिखा था, क्या नारी भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर सकती है पूजन शिवलिंग बनाकर। तो हम तो हमेशा कहते आए, हमने हमेशा आपसे कहा है कि शिवलिंग का निर्माण कोई भी कर सकता, यह जरूरी नहीं कि ब्राह्मण ही शिवलिंग बनाएगा, क्षत्रिय ही शिवलिंग बनाएगा, वैश्य ही बनाएगा, शूद्र ही बनाएगा, या पुरुष ही बनाएगा, या नारी ही बनाएगी, कोई भी। और नवयुवक बेटा बेटियों से निवेदन है, अगर आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं पढ़ो, आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं करो, उनसे निवेदन है पेपर में अगर समय हो 2 महीना 4 महीना 6 महीना हो कंपटीशन एग्जाम की पूरी तैयारी करो, पूरी तैयारी एकदम कर्म प्रधान। उनसे निवेदन है महीने में एक बार बालू रेत मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, उसको जल चढ़ाओ, घी का दिया लगाओ, पूजन करो, शहद बेलपत्र शिवजी को समर्पित करो, अपनी कामना कर विसर्जन करो। 2-4 महीने जब तक एग्जाम नहीं आते, महीने में केवल एक दिन भी अगर आप मेरे देवाधिदेव महादेव को दे रहे हैं उतने में ही मेरा बाबा कृपा कर देगा, ये निश्चित है। करो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। और जिन जिन ने नौकरी की तैयारी करी है, भले प्राइवेट की कर रहे हो चाहे सरकारी की कर रहे हो, मेरा बच्चों से बेटों से बेटियों से निवेदन है, खूब पढ़ो दिल से, खूब अच्छा नंबर लाओ, खूब मेहनत करो, पर साथ में शिव महापुराण को विश्वास मानकर
भगवान शंकर का अनुमोदन कर विनती कर फिर कंपटीशन एग्जाम में या कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो वहां भी शिव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप कर बाबा को दिल में बिठा कर एग्जाम दीजिए। ये जो चतुर चतुर जो माताएं होती है ना, ये अपने बच्चों को स्कूल के टीचर के पास में ही ट्यूशन भेजती है। पूछो क्यों? हम बोले उससे अच्छा तुम ही बोल दो क्यों। स्कूल के टीचर के पास में ट्यूशन भेजती है, और स्कूल के टीचर के पास में ट्यूशन इसलिए भेजती है कि जब बच्चे का एग्जाम का समय आएगा, बोलो री जी जी हो, एग्जाम का समय आएगा तब ये स्कूल की जो टीचर है वो थोड़ा थोड़ा देख लेगी। अब बच्चा एग्जाम दे रहा है, जिसके पास उसने ट्यूशन पढ़ी है वो टीचर घूम रहा है, टीचर जब घूम रहा है और टीचर जब इधर से उधर घूम रहा है, और महाराज जब टीचर इधर से उधर घूम रहा है तो बच्चे को लगता है कि मैंने इन्हीं के पास ट्यूशन पढ़ी है, मेरे सर मुझे बताएंगे, मेरे टीचर मुझे दिखाएंगे कुछ बता देंगे। पर टीचर एग्जाम के उस कक्ष में अपने स्टूडेंट को कुछ नहीं बताता है, ये टीचर की मर्यादा है, बताता नहीं है, उसकी मर्यादा में रहता है। एग्जाम दीजिए पर टीचर एक बात जरूर कर देता है, तो चिंता मत कर, एग्जाम दे, लिख पढ़, चिंता मत कर, रिजल्ट बनाना मेरे हाथ में है। उसी तरह देवाधिदेव महादेव कहते हैं खूब पढ़ाई करो, दिल से पढ़ो, दिल से आगे बढ़ो, खूब पढ़ो, पर शंकर भगवान पर विश्वास भरोसा दड़ी रखना, क्योंकि रिजल्ट बनाना देवाधिदेव महादेव के हाथ में। पढ़ो खूब। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जवानी बाबा डोर हटो छटे नाम कटी जवानी भोले मैं तेरी पतन शंभो मैं तेरी पतन। दिल से कहो, प्रहलाद का जन्म हुआ माता के गर्भ से, देवऋषि नारद ने ज्ञान उपदेश दिया, वो ज्ञान इतना प्रबल था देवऋषि नारद का दिया हुआ कि गर्भ से जो बालक हुआ उस भगवान के नाम का आह्लाद करा और उसका नाम प्रहलाद हो गया। ले गए हिरण्यकशिपु को, मालूम पड़ा, घर लेकर गए, पर गर्भ का ज्ञान प्रबल ज्ञान था, बहुत प्रबल ज्ञान, खूब पढ़ा। और मेरा निवेदन है, शुगर की बीमारी, मधुमेह की बीमारी पिता को होती है तो बेटे को आ जाती है, बोलो री जी जो सही है कि गलत है, बाप को होती है तो बच्चों को आ जाती है। जब शुगर की बीमारी बाप को है तो बेटे को आ गई, बाप को है तो बेटी को आ गई, पर एक बात समझ में नहीं आती कि पिता इतना धर्मात्मा है, इतना पुण्यात्मा है, तो फिर इस पुण्य आत्मा के जैसा हृदय ये छोरे में क्यों नहीं आया है? बीमारी आ सकती है, उसको शुगर थी तो इसको भी आ गई, उसको मधुमेह था तो उसको भी मधुमेह आ गया। डॉक्टर भी पूछते हैं तुम्हारे पिताजी को शुगर थी क्या? हाँ साहब उनको शुगर थी तो तुमको भी है, थोड़ा ना थोड़ा अंश है। कारण मेरा निवेदन केवल इतना सा है, पिता का जैसा धर्म है, पिता जैसे भगवत भजन में लगा, पिता जैसे धर्म में लगा, सुंदर संस्कारों में लगा हुआ है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, अच्छे कर्म को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, ऐसा पुत्र होना चाहिए। पर आजकल कहने और करने में अंतर है बहुत। ये एक माता जी ने लिखा है कि गुरु जी प्रीति त्रिपाठी निराला नगर कानपुर से, इन्होंने लिखा है, सब पढ़ना जरा अच्छे से, गाय के लिए गुरुदेव दो वचन कह दीजिए जिससे गौ माता की रक्षा हो सके, उसके लिए प्रीति त्रिपाठी ने लिखा है। अब बेटा प्रीति त्रिपाठी आपके चरणों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आपके संस्कार हैं,
आपके संस्कार हैं, आपने बोला गोमाता के लिए बोला, हमें गोमाता के लिए बोलने में कोई परेशानी नहीं, पर दुख केवल एक है हमारे हृदय में। इतना गौ माता पे प्रवचन देते हैं, इतनी सीख देते हैं, गाय को ऐसे रखो वैसे रखो, जरा सी बात में गाय का नाम आता है और आग बबूला हो जाते हैं, जरा सी देर में गौ माता के लिए टूटमान हो जाते हैं। मेरा केवल इतना सा निवेदन है, अगर आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से और इस कथा पंडाल के माध्यम से अगर आप सुन रहे हैं, तो निवेदन केवल इतना करूंगा कि जो लोग इतना प्रवचन देते हैं गाय के लिए, इतना कहते हैं, गाय को रखने की सीख देते हैं, जरा जरा सी बात में गाय के लिए दौड़ पड़ते हैं, उनसे भी मेरा केवल इतना सा निवेदन है, कम से कम एक गाय अपने घर में तुम भी रखो रे, कम से कम गाय की सेवा करोगे तो गौ माता बचना प्रारंभ हो जाए। हम केवल मंचों से ना बोले, हम केवल प्रवचन में ना बोले, हम केवल जरा सी गाय बात निकली और जरा से उसमें हम टूटमान हो रहे हैं, तो हमारे को फर्ज बनता है कि रोड पर चल रही गाय जो कट रही है, पड़ी हुई हैं, जिनको भोजन तक नहीं मिल रहा, उसकी जवाबदारी हमारी खुद की होना चाहिए कि हम उस गौ माता को स्वयं लेकर आए, उसकी सेवा करें, उसकी चाकरी करें, उसको संभालें। पहले 322 ब्रेसिंग मशीन वाले कत्लखाने थे, कितने जम के बोले जरा, 322। आज रिसर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए, अब 4,500 से लेकर 5,000 कत्लखाने ब्रेसिंग मशीन के हैं। ब्रेसिंग मशीन का कैसे, गाय का सफेद मांस की कीमत कम है और लाल मांस की कीमत विदेशों में ज्यादा है, तो क्या करते हैं मशीन वाले, गाय को कसाई के यहां से खरीद कर ले गए, कसाई घर में उसको रखा, रखने के बाद एक कुएं में, अंधे कुएं में उसको छोड़ दिया, 12 दिन तक गाय को बिना चारे के और बिना पानी के रखा जाता है, फिर उसका मुंह बांध कर पांव से उल्टा लटकाया जाता है, गाय के मुंह पर प्रेशर से पानी दिया जाता है, इतनी प्रेशर से कि गाय धक्का खाती है, उसके मुंह पे मारा जाता है, मुंह से उसकी श्वास उसके रक्त में जाती है और खून उसके रक्त में मिलना प्रारंभ हो जाता है, फिर गाय के गले पर धीरे से कट लगा दिया जाता है, बूंद बूंद कर कर टपकता रहता है खून, और गाय का खून गाय के मांस में मिलना प्रारंभ हो जाता है, तड़पती रहती है 9 दिन तक गाय मरने के लिए, तब वो मरती है और मरने के बाद उसका मांस निकालकर डब्बे में पैक कर विदेश में भेज दिया जाता है। जरा विचार करिए गौ माता की दशा कितनी खराब है। मेरा तो निवेदन केवल इस व्यासपीठ से इतना सा है, प्रत्येक गौ माता की सेवा जितने लोग दिल से कहते हैं कि हम गौ रक्षा करना चाहते हैं, हम गाय की रक्षा करना चाहते हैं, उनसे भी निवेदन, आपके घर में गाय बंदी होना चाहिए, आपके घर में गौ माता होना चाहिए, आप गौ माता की सेवा में लीन रहे, ज्यादा नहीं रख सकते एक रखो, दो नहीं रख सकते तो एक की सेवा करो, जितनी सेवा बन सकती हो उतनी करो। बड़ी प्रसन्नता होती है पथमेड़ा गौशाला को जो हम देखते हैं राजस्थान की, पथमेड़ा वाले महाराज जी ने कितनी सुंदर व्यवस्था से संभाल रखा है उसको, बड़ी प्रसन्नता होती है, आनंदता होता है, करो सेवा। प्रहलाद जी महाराज का चरित्र कराए, प्रहलाद जी महाराज का सुंदर भाव कराए, भगवान की विरल भक्ति कर रही है, हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को जगह जगह मरवाने का विचार करा पर नहीं मर पाया, क्योंकि उसको मेरे महादेव ने, मेरे भगवान ने उसको रख रखा था। कई लोग कहते हैं किसी ने हमारा बुरा कर दिया, किसी ने हमारी दुकान बांध दी, किसी ने हमारे ऊपर टोना कर दिया, किसी ने हमारे ऊपर टोटका कर दिया, किसी ने हमारे ऊपर ये कर दिया, हमारा चल रहा, हमारा ये नहीं चल रहा, हमारे ऊपर ऐसा कर दिया कि हम बीमार हो गए। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम पे टोना कर दे, अगर टोना करने वाले होते तो सबसे पहले मोदी पे ही करते, अगर होते तो सबसे पहले उसमें करते, तुम तो इतने फेमस भी नहीं हो कि तुम फिर टोना कर दे। अरे भाई ये हमारा भ्रम है कि कोई हमें बर्बाद कर रहा है, ये हमारा भ्रम है कि हमारी दुकान नहीं चल रही, किसी ने टोना कर दिया होगा, किसी ने टोटका कर दिया होगा, ये भ्रम में, ये अंधविश्वास में ये जीना बंद कर दो, ये अंधविश्वास में जीना बंद कर दो कि किसी ने टोना कर दिया होगा, किसी ने टोटका कर दिया होगा, किसी ने ये कर दिया होगा, ये अंधविश्वास है जिस पर तुम जी रहे हो। कोई किसी पर कुछ नहीं कर सकता, करने वाले होते तो अंबानी को छोड़ देते, मोदी को छोड़ देते, जो ऊंचे ऊंचे पद पर हैं सबसे पहले दूसरे लोग इन्हीं को पकड़ते और टोना करवा के निपटा देते, पर किसकी सामर्थ्यता। अंधविश्वास में जितना फंसोगे उतने फंसते चले जाओगे, अंधविश्वास में जितना डूबोगे उतने डूबते चले जाओगे, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। बस एक संबंध बनाकर रखो वो शमशान वाले से, जब शमशान वाला तुम्हारे घर में होगा शिवलिंग के रूप में, तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई कुछ कर दे। जिसके घर में भगवान शंकर का शिवलिंग विराजमान होता है, जिसके घर में भगवान शंकर के लिए एक लोटा जल प्रतिदिन निकलता है, जिसके घर में भगवान शंकर को रोज एक बेलपत्र चढ़ती है,
शिव जी के मंदिर में घर का कोई एक व्यक्ति भी अगर जाता है और शंकर के मंदिर से वापिस आता है तो घर में भगवान शंकर के रज हमारे घर में आती है, तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई टोना कर सके, किसी की सामर्थ्यता नहीं। अंधविश्वास में जीना बंद करो, अंधविश्वास मत रखिए कि कोई कुछ कर देगा। भजन करो, भजन का बल बढ़ाइए, कुछ नहीं। भजन प्रहलाद को खोलते हुए तेल में डाल दिया, कुछ नहीं हुआ। अग्नि में पटक दिया, कुछ नहीं। पहाड़ से नीचे फेंक दिया, कुछ नहीं। अंत में कहा भगवान है, खंभे में से भगवान प्रकट हो गया, प्रहलाद को बचा लिया, हिरण्यकशिपु को मार दिया। अब यहां तक की कथा तो भागवत में थी, पर शिव जी का एक रूप शिव महापुराण में यहां पर प्रकट हो रहा है, जिसको श्रम्भेश्वर महादेव कहा गया है। कौन से महादेव, जम के बोलो जरा, श्रम्भेश्वर महादेव। अब एक रूप प्रकट हुआ। अब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार दिया, पर क्रोध कम नहीं हुआ है नरसिंह भगवान का। सारे देवता भगवान शिव जी के पास गए, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ, देवाधिदेव महादेव ने पूछा क्या हो गया। वो भगवान नरसिंह को बहुत गुस्सा आ रहा, जहां जाते हैं वहीं टूट फूट कर जाते, कुछ कृपा करो ना भोलेनाथ। क्रोध करने वाला व्यक्ति दूसरे के चक्कर में खुद को क्रोध करता है, दूसरा व्यक्ति इसका मजा लेता है और स्वयं क्रोध में गुस्से में अपना काम बिगाड़ बैठता है, दूसरा व्यक्ति इसका मजा ले रहा है। क्यों करना क्रोध, क्या करोगे क्रोध कर कर? जिस समय क्रोध आए थोड़ी देर भगवान की भक्ति का रसतत्व ग्रहण करो। शिव मंदिर पहुंच गए, भगवान शंकर का गुणगान करा, स्मरण करा। कभी कभी हम हमेशा कहते रहे हैं, आज फिर कह रहे हैं, कभी मौका मिल जाए घर में अगर ज्यादा क्रोध हो रहा हो, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो रही हो, क्लेश ज्यादा हो रहा हो, तो एक बेलपत्र लो, इस बेलपत्र को शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दो, पांच जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, जलाधारी के बीच में अशोक सुंदरी है, राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय हैं। जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है वो पार्वती जी का स्थान है। ये शिवलिंग ऊपर से जो बूंद बूंद पानी जलाधारी से टपक रहा है वो शंकर भगवान की पांच लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली, देव। पांच जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। अगर ज्यादा घर में क्लेश हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, सब चिड़चिड़ कर रहे हैं, एक बेलपत्री चढ़ाओ, जल भरकर ले गए शिवजी के मंदिर। पहले अशोक सुंदरी पर चढ़ाइए, फिर गणेश जी पर चढ़ाइए, कार्तिकेय पर चढ़ाइए, इसके बाद में जलाधारी पर चढ़ाइए, फिर जल शिव जी पर चढ़ा दो, अपने मन का भाव रखकर। सात पांच मिनट बैठ गए, शिव मंदिर में शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श करा, स्पर्श कर वही हाथ को लेकर अपने घर पर आ गए। दिल्ली में प्रवेश करते हुए कहीं हाथ लगा भी दिया, क्योंकि ये तो बल है मेरे शिव का, आप अंदर प्रवेश कर जाओ। ज्यादा से ज्यादा 8 से 9 मिनट लगता है, घर में कितना भी क्लेश चल रहा होता है अपने आप 9 मिनट 10 मिनट के अंदर शांत हो जाता है। क्रोध की शांति भी मेरा शिव है, उसका भजन है। भगवान शंकर का गुणगान करे। प्रहलाद आनंद से रह रहे हैं, पर नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं। तब देवताओं ने भगवान शिव जी से विनती करी, निवेदन करा, भोलेनाथ कृपा करो, ये नरसिंह भगवान तो गुस्से पर गुस्सा करे जा रहे हैं, क्रोध पर क्रोध करे जा रहे हैं, और इन्होंने बहुत उपद्रव मचा कर रखा। सारे देवता घबरा रहे, आप करना करिए, आप कृपा करिए। भगवान शिव जी ने कहा कि नरसिंह भगवान को उठाकर मैं बद्रिकाश्रम की अलकनंदा नदी में छोड़ देता हूं, पर बात इतनी है कि उसमें आप चाहिए। एक बात बहुत अच्छी से याद रखिएगा, कभी यह मत सोचना कि अकेले रहोगे तो खुश रहोगे, परिवार के साथ में रहोगे तो ज्यादा खुश रहोगे, क्योंकि परिवार की एकता में जो आनंद है वो दुनिया में कहीं आनंद नहीं। संगठित रहिए, संगठन में रहिए, जो संगठित रहता है उसको कोई तोड़ नहीं सकता। एक अकेली लकड़ी को कोई भी तोड़ देगा, पर 10-12 लकड़ी एक साथ में होगी तो तोड़ने में दम चाहिए। संगठन में रहने में
संगठित रहने में जो आनंद है वो कहीं नहीं है। हम एक बात हमेशा कथा में कहते रहते हैं, आज फिर कह रहे हैं, हफ्ते में एक दिन ऐसा नियम बनाओ कि अपने परिवार के साथ में बैठकर माता पिता कुटुंब कबीला जो भी अपने घर में, जो एक घर में जितने लोग रह रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों, आप हों, पत्नी हो, बेटा बेटी जो भी हो आपके घर में, जितने भी लोग अपने घर में रह रहे हैं, उन सबके साथ एक साथ बैठकर भोजन करो। हम ये नहीं करें कि एक ही थाली में भोजन करो, सब अपनी थाली लगाओ पर एक साथ बैठो और एक साथ भोजन करो, जिससे अपने मन के भाव केंद्रित, संगठित रहिए, संगठन में रहिए। पिता आ रहा है 10 बजे रात को, बेटा आ रहा है 11 बजे रात को, मां भोजन कर रही है 8 बजे, बेटी आ रही है 5 बजे, ऐसा भोजन का क्रम नहीं होना चाहिए। संगठित रहकर भोजन करो, ज्यादा दिन नहीं, हम ये कह नहीं रहे कि आपसे की रोज करो, हफ्ते में एक बार। उससे क्या होगा कि बच्चे को कुछ कहना होगा तो उसको लगेगा पापा आज अच्छे मूड में है तो अपन कह दे, मेरी मम्मी अच्छे मूड में है तो मम्मी से मैं कह दूं। अपने बेटा बेटियों से भी निवेदन है और माता और पिताओं से भी निवेदन है, अपने बच्चों से फ्रेंड जैसा रहिए, दोस्त जैसा, जिससे वो अपने दिल की बात आपको सारी बता दें और आप पहले से सचेत हो जाएं कि हमारे साथ कोई घटना ना घट जाए। अपने बच्चों के साथ में रहकर अपने बच्चों से थोड़ा सा एक दोस्त जैसा माहौल रखकर उससे पूछो, उसको समझो, उसको जानो। बच्चा कहीं कोई गलत बात छुपा तो नहीं रहा है, 1 महीना 2 महीना 6 महीना 4 महीना उसके मन में कुछ चल रहा है और वो छुपा छुपा कर चल रहा है, बाद में मालूम पड़ता है तो फिर रोना आता है, क्या करेंगे अब हम, कैसे बचाएंगे गुरुजी, अब हम क्या कर सकते हैं गुरुजी, तो गुरुजी कुछ नहीं करेगा, करना तुमको पड़ेगा। थोड़ा संगठन में, थोड़ा संगठित। भगवान शिव ने कह दिया 33 कोटि देवी देवता मेरा साथ दे दे, मैं नरसिंह भगवान के गुस्से को शांत कर दूंगा। ये 33 कोटि देवी देवता मेरा साथ है, तो देवताओं ने पूछा हमें क्या करना पड़ेगा। शंकर भगवान ने कहा मैं शरम्ब पक्षी का रूप धारण करूंगा, तुम मुझ में बल देना, सब मेरे पंखों से लपट जाना, मैं बल पाकर नरसिंह भगवान को अपनी चोंच से या पंजे से उठा लूंगा और उठाकर अलकनंदा नदी में गंगा के जल में डाल दूंगा। जब नरसिंह भगवान को गंगा के जल में अलकनंदा नदी में डालूंगा तब उनका क्रोध अपने आप शांत हो जाए। देवताओं ने कहा हम तैयार है। देवता बोले हमें तैयारी है, आप करो तैयारी। शिव जी ने एक रूप रखा सरंब पक्षी का, नरसिंह भगवान को उठाया, पंजे में उठाकर ले गए बद्रिकाश्रम की अलकनंदा नदी में, उनको पटक दिया। पटके भगवान का क्रोध एकदम शांत हो गया, एकदम शांत। शंकर भगवान ने कहा नरसिंह भगवान से, प्रभु वैकुंठ नहीं जाओगे? नरसिंह भगवान बोले मेरे को अलकनंदा नदी में रहने दो, नरसिंह शिला के रूप में नरसिंह भगवान आज भी अलकनंदा नदी में रहते हैं, जहां पर ताप कुंड है, जहां पर पानी गर्म का कुंड है बद्रीनाथ में, उसके नीचे की ओर आप देखेंगे कि बड़ी सी शिला नजर आएगी, बड़ी सी शिला नजर आएगी, उस बड़ी सी शिला को देखेंगे और किसी पंडित जी से पूछेंगे कि यह कौन सी शिला है, तो लोग कहेंगे कि यह नरसिंह शिला है, ये नरसिंह भगवान के द्वारा प्रकट हुआ। शिव जी का नाम सरंभेश्वर महादेव हो गया। सरंभेश्वर महादेव क्रोध को संयम रखने के लिए, सरंभेश्वर महादेव, जो व्यक्ति पथ भ्रष्ट हो जाए, जैसे मदिरा के नशे में पड़ गया, कहीं जुए में पड़ गया, कहीं मांसाहार में पड़ गया, कहीं व्यसन में पड़ गया, कहीं गलत काम में अगर कोई जा रहा है, तो सरंभेश्वर महादेव के नाम से काली तिल भगवान शिव को समर्पित करी जाती है। महाराज काली तिल को वापस उठा कर ले आते हैं, उसी काली तिल को जो मदिरा का नशा करने वाला होता है या जो गलत व्यसन में डूबा हुआ होता है, उसको वो सुबह के समय अगर नहीं खाता तो भोजन के साथ उसको दिया जाए। सरंभेश्वर महादेव, एक बेलपत्री का भी बहुत अच्छा प्रयोग है सरंभेश्वर महादेव का, मदिरा पीने वालों के लिए मांसाहार व्यसन में, जुए में, पेशावरती में, पर नारी में, गलत जगह पर जो डूबे रहते हैं उनके लिए, पहले की कथा में उसका वर्णन किया है बेलपत्री का। सरंभेश्वर महादेव, एक बार सब बोलेंगे कौन से महादेव? सरंभेश्वर महादेव, फिर जम के बोल लो एक बार सरंभेश्वर महादेव। जब हमारे घर में क्रोध बढ़ता है या कोई गलत कार्य में जाने लगता है तो सरंभेश्वर महादेव का हमें शरणागति लेना चाहिए, सरंभेश्वर महादेव का पूजन करना चालू कर देना चाहिए।
कई लोग कहते महाराज जी संबेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ मिलेगा, हम कहाँ पूजन करने जाए, कहीं नहीं जाना, तुम्हारे घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहीं जाओ, उसी देवालय में उसी मंदिर में जाओ, संबेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, वो जल जो गलत संगत में पड़ा हुआ है उसका आचमन कराना प्रारंभ करेंगे, अपने आप उसकी धीरे धीरे बुद्धि सुधरना प्रारंभ हो जाएगी, ऐसा संबेश्वर महादेव का। कुछ स्थान हमारे यहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर स्थान निश्चित किए गए हैं, जैसे कैंसर आदि के मरीज के लिए हम लोग पहले भी कहते हैं कि त्रिजुगी नारायण का जल बड़ा महत्व रखता, जिसका शरीर या जिसको एक पत्र आया है कि किसी को मिर्गी का झटका आना चालू हो गया था, अब पत्र ढूंढेंगे तो समय थोड़ा लग जाएगा, जिसने लिखा है उसके स्मरण में होगा, जिसने भी लिखा होगा कि बीमारी के चलते चलते फिर मिर्गी आना चालू हो गई, जिसने भी लिखा है वो दोनों हाथ एक बार हिला देना, जिसके लिए भी लिखा हुआ वो इतना ध्यान नहीं आ रहा, तो उनको मिर्गी का झटका आना प्रारंभ हुआ, अब मिर्गी का झटका आना प्रारंभ हुआ कई महीने निकल गए मिर्गी के झटकी बंद नहीं हो, तब उन्होंने पत्र में लिखा है कि श्रम्भेश्वर महादेव का आपने जो वर्णन करा था 31 बेलपत्र वाला, गुरु जी हमने वो 31 बेलपत्र वाला प्रयोग करा और उन्होंने पत्र में लिखा है कि मिर्गी के झटके भी बाबा की कृपा से ठीक हो गए, अब कोई झटके उनको आने, संभेश्वर महादेव का जो वर्णन है, संभेश्वर महादेव का जो गुणगान है, यह कोई साधारण नहीं है। शिव महापुराण में भागवत के प्रहलाद चरित्र को लाकर रखा गया है केवल संभेश्वर महादेव के प्रागट्य के लिए, ऐसा संभेश्वर महादेव का गुणगान। एक बार फिर आप लोग भूल ना जाओ उसके लिए एक बार फिर से बोल लो, कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव। ये श्रम्भेश्वर महादेव जैसे कुंदकेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव का क्या काम है? माता पार्वती ने विदल उत्पल को मारने के लिए जो कुंदुक फेंका था वो कुंदुक भगवान शंकर के पांव में जाकर गिरा था, तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो गया था। जब हमारे यहां कोई दवाई नहीं लगती शरीर में, कोई कैंसर जैसा रोग हो गया, किडनी लीवर का रोग हो गया या बीपी शुगर का रोग हो गया, शुगर लेवल में नहीं आ रही है, तो आप शंकर जी पे से जो बेलपत्र ला रहे हो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लाओ, दवाई खाओ, डॉक्टर को दिखाओ, सारी जांचें कराओ, डॉक्टर के अनुसार चलो, डॉक्टर जैसा बताए वैसा करो, पर उस दवाई को भी शिव जी से कहकर कि बाबा कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई को भी हम कुंदकेश्वर महादेव का प्रसाद समझ कर पाना प्रारंभ करो, धीरे धीरे आराम लगना प्रारंभ होगा। कुंदकेश्वर महादेव रोग मुक्ति के लिए होते हैं, और श्रम्भेश्वर महादेव बोलो बोलो जरा जमके व्यसन की समाप्ति के लिए, व्यसन में अगर कोई डूबा। महाराज शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र वर्णन कर रहा है, श्रम्भेश्वर महादेव प्रकट हो गए, सारे देवताओं ने भगवान शंकर की जय जयकार करी, पार्वती जी ने शिव जी का वो रूप देखा तो पार्वती जी ने भगवान शंकर के उस रूप का गुणगान किया, पार्वती जी ने हाथ जोड़कर शंकर भगवान से कहा भोलेनाथ आपसे निवेदन है, आपने ये शरंभ पक्षी का रूप धारण करा है, इस रूप को आप छोड़ दीजिए और इस रूप को छोड़कर अपने वही पुनः रूप को धारण कर लीजिए। शंकर भगवान पुनः उस रूप को त्याग कर शिव जी अपने असली स्वरूप में धारण हो गए और भोलेनाथ काशी में जाकर विराजमान हो गए।